रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, देख छवि चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी, पावन करती है दुनिया सारी, मैं उन चरण सदा पखारू, मैं उन चरणों को सदा पखारू, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी प्यारे आप को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं, श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री अवध बिहारी तेरी आरती।
रघुवर तेरी आरती गाऊं, रघुवर तेरी आरती गाऊं, श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओम गर्भूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उज्जयंति हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम नमामि मंदाल सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणं परमेश्वर ओं भूर्वस्वः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ पवनकुमार हृदय मे आओ कुमार हृदय में आओ पवन कुमार हृदय में आओ पवन कुमार हृदय में आओ पवन कुमार हृदय में आओ जैसे पाप की लंका जलाई प्रभु जी जैसे पाप की लंका जलाई प्रभु जी वैसे ही मेरे मोह जलाओ पवन कुमार हृदय में आओ पवन कुमार एक बार बोलो हनुमान जी महाराज की Thank you.
पवन कुमार हृदय में आओ, पवन कुमार हृदय में आओ, हितकारी सुग्रीव के तुम थे, तुमने उनको मार्ग दिखाया, हितकारी सुग्रीव के तुम थे, तुमने उनको मार्ग दिखाया, सीता पता लगा कर श्री राम के मन को सुख पहुंचाया, सीता जी का पता लगा कर श्री राम के मन को सुख पहुंचाया, जैसे राम जी को जैसे राम जी को उन्हें मिलाया प्रभु जी, वैसे ही मुझको राम से मिला पवन कुमार हृदय में आओ, पवन कुमार उसके लिए भगवान का नाम जपना होगा, कैसे सीता राम 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 राजा राम राम राम, 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 सीता सीता राम 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 राजा राम राम राम, 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 सीता श्री जगन्नाथ भगवान की सीता राम 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 राजा राम राम राम, 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 सीता राम 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 राजा राम राम।
श्री बालाजी महाराज की। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई,
बिहारी सरकार की नर्तन पाई विषय मन देही पलट सुधाते सठ विशली जब अनेक योनियों में अनेक जन्मों में पशु योनि कीट पतंगा ये सब बनते हुए हम सबको ईश्वर की अहेतु की कृपा से ये मानव तन मिला और ये मानव तन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है क्योंकि हम पृथ्वी के लोग मनुष्य पूजा यज्ञ अनुष्ठान करके देवताओं को प्रसन्न करके स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो कर सकते हैं यहाँ तक कि यदि गुरु शरण में बैठकर परम पद की प्राप्ति की साधना की जाए तो वह भी प्राप्त कर सकते हैं मानव तन में वो सामर्थ्य है कि वो इस 84 के चक्र से छूट सकता है लेकिन
देवता देवताओं को परम पद की प्राप्ति का समन्वय नहीं है, ये तो मनुष्य को ही अधिकार है। तो देवता भी लालाहित रहते हैं ये मानव तन पाने के लिए। बड़े भाग्य से मानव तन मिलता है, गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर अर्थात देवता, देवताओं के लिए भी ये मानव तन दुर्लभ है, ऐसा ग्रंथ गाते हैं। लेकिन ये मानव तन की कीमत अब जिसको पता हो, जो शास्त्र संत से जुड़ा होगा वो जान जाएगा, और जब जान जाएगा तो अपने एक एक श्वास पर राम राम कृष्ण कृष्ण और कर्मों में सत्कर्म की गठरी बनाना प्रारंभ कर देगा। जैसे आपको जब पता होता है कि आपको घर मकान बनवाना है, बिटिया का ब्याह करना है, साल दो साल बाद आपको कुछ बड़ा धन खर्च करना है, तो उसकी तैयारी आप शुरू से ही कर देते हो। कुछ ना कुछ सेविंग्स, पैसे इकट्ठा करना आप प्रारंभ कर देते हो। लेकिन ऐसा आप पैसों की बचत करना कब शुरू करते हो? जब आपको पता चल जाता है कि साल दो साल चार साल पांच साल दस साल बाद एक बड़ा अमाउंट का खर्च है, वो चाहे बिटिया के विवाह का हो, चाहे कोई जमीन खरीदना हो, चाहे किसी को देना हो, चाहे मकान बनवाना हो। जब आपको पता लगता है कि एक बड़ा धन खर्च हमको करना है, तब उसका लक्ष्य बनाते हो और तब बचत करना शुरू करते हो। ऐसे ही जब तक किसी मानव को पता ही नहीं होगा कि मानव तन मिला किस लिए है और कितने भाग्य से मिलता है, तब तक वो मानव तन में सत्कर्म रूपी सेविंग्स बचत करना शुरू नहीं करता, बस विषयों में लगा रहता है। लेकिन जिस दिन ग्रंथ शास्त्र के या गुरु संत के माध्यम से जब उसे पता चलता है कि मानव तन तो मुझे किस लिए मिला है और मैं क्या कर रहा हूँ, अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, मानव तन मिला किस लिए था और कर क्या रहा है, जब इस बात का ज्ञान हो जाता है गुरु के द्वारा, चाहे कथा में सुनने से, चाहे भागवत गीता रामायण पढ़ने से, तब वह व्यक्ति अपने जीवन का मूल्य समझता है और नौकरी व्यापार करने के साथ साथ धन परिवार कमाने के चलाने के साथ साथ वो ऐसा भी कर्म करने लगता है जो धन मृत्यु के बाद काम आए। आप जो यहां धन कमाते हो ये आपके जीवन पर्यंत काम आएगा। मरने के बाद सुने हो कभी कोई कुछ ले गया है, पासबुक चेकबुक जमीन जायदाद कुछ ले गया, सुने हो कभी? सब यहीं छोड़ के गए, यहां से कुछ ले नहीं जा पाया। तो धन कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन ये जानते रहो कि जीवन पर्यंत ये धन काम आएगा, लेकिन मृत्यु के बाद वहां पर तो आपके कर्मों की, पुण्य और पाप की जो गठरी है वही आपका धन है और वही खर्च कर सकते हो। तो यहां का धन तो कमाओ ही, लेकिन मृत्यु के बाद भी धन कमाओ। कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, सिर पर बांधे गाठरी जात न देखा कोई। सियावर रामचंद्र की। संसार में आए हो तो ऐसे धन को इकट्ठा करो जो बाद में काम आए। यहां का धन तो कमाओगे और कमाने से पहले उसका कितना कहां खर्च होना है वो दिमाग में नोट है पहले से, बचत की तो बात छोड़ो। तो संसार में ऐसे धन को इकट्ठा करो जो यहां के बाद भी वहां काम आए। एक राजा की पत्नी महारानी ने अपने महाराज से कहा कि आपके जो मंत्री हैं बीरबल, इनको आप मंत्री पद से हटा दो और मेरे भाई को मंत्री पद दे दो। महाराज बोले, अरे बीरबल जैसा मंत्री मिलना बड़ा कठिन है,
तो महारानी ने कहा देखो कुछ भी हो मेरे भाई को आप मंत्री पद दे दो। राजा ने कहा मैं पक्षपात तो नहीं कर सकता, हाँ मैं दोनों की परीक्षा लूंगा, जो पास हो जाएगा उसे मंत्री पद दे दो। अगला दिन दरबार सजा, महाराज ने अपने पत्नी के भाई को बुलवाया और 3 पैसा दिया। कितना पैसा दिया बोलो? 3 पैसा। और कहा जाओ बाजार से 1 पैसे का अब के लिए ले आओ, 1 पैसे का तब के लिए ले आओ, और 1 पैसे का न अब का हो न तब का ले आओ। अब महाराज के जो पत्नी के भाई थे वो गए 3 पैसा लेके बाजार में, दिन भर ढूंढे मार्केट में, जिस दुकान पर जाते सब भगा देते कि ये क्या खरीदने आए हो, ये कहीं मेरी हमारे यहाँ नहीं मिलता। दिन भर बाजार में ढूंढे कहीं पाए नहीं। शाम को उदास होकर लौटे, बोले महाराज आपने क्या सौदा कह दिया लाने के लिए, ये तो कहीं नहीं मिला। पैसा लौटा दिया महाराज को। दूसरा दिन आया, महाराज ने बीरबल को बुलाया और 3 पैसा दिया और कहा जाओ बीरबल 1 पैसे का अब के लिए ले आओ, 1 पैसे का तब के लिए ले आओ, और 1 पैसे का न अब का हो न तब का। बीरबल चले, सोचे कि महाराज ने ये क्या दलाने को बुला दिया, ये कैसा सामान मंगवाया है, क्या खरीदूं, कुछ सूझ नहीं रहा था। तो बाजार में खड़े तो देखा एक हलवाई की दुकान थी, गर्मा गर्म जलेबी काढ़ी जा रही थी और चाशनी में डुबा के रखा था। बीरबल सोचे कि जो सामने है वही खरीद लेता, 1 पैसे की गर्मा गर्म जलेबी ले लिए। बाजार में कुछ दूर आगे बढ़े तो देखे अखंड रामायण का पाठ कथा भागवत गीता हो रहा था, यज्ञ हो रहा था। तो बीरबल जी के मन में आया कि भाई 1 पैसा इसमें हम भी दान कर दें, 1 पैसा यज्ञ में दान कर दिए। आगे बढ़े तो एक नृत्यिका का नाच हो रहा था, 1 पैसा उसको इनाम दे दिए। लौटे, महाराज ने पूछा बीरबल लाए? बीरबल ने कहा महाराज 3 ले आया। महाराज बोले 1 पैसे का अब का दो। तो बीरबल ने वो गर्मा गर्म जलेबी खोल के महाराज जी के सामने कर दी कि ये लो महाराज 1 पैसे का अब का, मुंह में डालो तुरंत मजा देगा अब का। कहे 1 पैसे का तब का? बोले महाराज सत्संग यज्ञ हो रहा था उसमें दान कर दिया हूं, ये जब घर परिवार यहां का संसार का बैंक बैलेंस पत्नी सोना चांदी जब छूटेगा तब वो 1 पैसा वहां काम आएगा तब का। बोले 1 पैसे का न अब का हो न तब का। बोले नचनिया को दान दे दिया हूं इनाम, न अब पाओगे न तब पाओगे। धन को ऐसे इकट्ठा करो, 2 धन को इकट्ठा करो, यहां का भी धन इकट्ठा करो, अच्छी बात है। व्यापार एक पूजा है, व्यापार को यह मत सोचना कि खाली आप लोभ और लालच में खाली धन कमाए जा रहे हो। आपका व्यापार आपका धन कमाना पूजा कहा जाएगा। अगर आप अपने व्यापार को नियम न्याय से कमा रहे हो और घर गृहस्थी का पालन करते हुए उसका कुछ भाग दान पुण्य यज्ञ पूजन पाठ में खर्च कर रहे हो तो आपका व्यापार पूजा कहलाएगा, ध्यान कहलाएगा, तपस्या कहलाएगा, धर्म कहलाएगा। तो ऐसे धन को इकट्ठा करो जो मृत्यु के बाद भी काम आए। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कबीरदास जी को एक महाराज ने निमंत्रण दिया कि आप हमारे यहां पधारो, कुछ सेवा सत्कार करेंगे। कबीरदास जी महाराज पहुंचे, अब उसने कबीरदास जी का पूजन वंदन किया और ले गया अपने छत पर राजमहल के। कई देशों का झंडा लगा था और लगा बताने कबीरदास जी को कि महाराज ये देखो ये फला देश है, इसको हमने ऐसे जीता था, इतना धन मिला था, इतना सैनिक, ये फला देश का झंडा है, इसको हमने ऐसे जीता था। ऐसे ऐसे पूरा दिन बीत गया,
बताने लगा कबीरदास। जब शाम हुई तो कबीरदास जी ने कहा अब मैं चलूं। जब चलने लगे तो महाराज ने कहा कि अरे गुरुजी मैं तो बहुत बड़ी गलती कर बैठा, सुबह से आपको खाली अपना ऐश्वर्य दिखाता रह गया, आपका सेवा आओ भगत सत्कार नहीं कर पाया, कुछ सेवा कर लो तब आप जाओ, मेरे से गलती हो गई। कबीर दास जी ने कहा सेवा करनी है तो एक मेरी सेवा है वो करो। बोले क्या? कबीर दास जी सिलाई का काम करते थे, दर्जी का, तो जेब में सुई रखी थी, सुई निकाल करके उस महाराज को दे दी और कहा मेरी यही सेवा है कि ये सुई मेरी संभाल के रखना, अगले जन्म में हमको याद से दे देना। राजा ने कहा ठीक है आपकी सेवा मैं आदेश का पालन करूंगा। कबीर दास जी निकल गए, राजा ने अपने मंत्री को लाके सुई दिया, कहा संभाल के रखना अगले जन्म में देना है कबीरदास जी को। मंत्री ने कहा महाराज मरने के बाद तो यहाँ से शरीर भी नहीं जाता, यहीं चला दी जाती है रह जाता है, सुई कहाँ से देंगे आप, सब तो यहीं धरा रह जाएगा, कहाँ से ले जाओगे। अब महाराज ने सैनिकों को दौड़वाया, जाओ उनको महाराज जी को किसी भी तरह हाथ पैर जोड़ के ले आओ निवेदन करके। सैनिक गए निवेदन किए, कबीरदास जी मान गए, लौट कर आए। तब महाराज बोले गुरुदेव मरने के बाद तो यहाँ से फूटी कौड़ी नहीं जाती, शरीर तक जला दिया जाता है, तो ये सुई मैं आपको अगले जन्म में कैसे दूंगा। तब कबीरदास जी ने कहा राजन जब जानते थे कि मरने के बाद यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकता तो तेरे हक में तेरे न्याय धर्म से जितना धन संपत्ति राज्य था वो कम था क्या, जो आक्रमण करके इतने लोग, कितने माताओं बहनों की मांग सुनी हो गई होगी, कितने लोगों की गोद सुनी हो गई होगी, कितना लहू बहा होगा, कितना अधर्म अन्याय रक्तपात हुआ होगा, ये अधर्म करके इतना कमाना तुझे आवश्यक था, तेरे हक में जितना था उतना कमा के संतुष्ट रहता, इतना अधर्म अन्याय करने की क्या जरूरत थी। तो महाराज कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ इतना मात्र है कि आपके हक में अधिकार में जो है उसे कोई छीन नहीं पाएगा, और जो आपके भाग्य अधिकार में नहीं है वो आप किसी से छीन नहीं पाओगे। तो संतुष्टि मेहनत कर्म करो, उसे कर्म करने के बाद आपको जो फल मिल रहा प्रयास करो, ज्यादा से ज्यादा इच्छा रखो, ज्यादा से ज्यादा की प्रयास करो, कर्म करो। अब मिलता कितना है क्या है ये अपने भाग्य और प्रारब्ध पर भगवान की इच्छा मानकर छोड़ दो। गाते तो हो सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। ये गाते तो हो लेकिन जीवन में ऐसा करते हो क्या? गाते तो हो कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, लेकिन जीवन में जब कोई बातें होती हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं? अगर दुख आया है, कोई बात आई है, तो उसको भगवान की इच्छा मानकर सहते नहीं है, पैसा कौड़ी इस पूरा दुनिया का जोर लगा करके उसको मॉडिफाई करने का कोशिश करते हैं कि हम इसको ठीक कर लेंगे। ये करना गलत नहीं है, करो, लेकिन जब सब करने के बाद भी कोई बस ना चले तब उस समय ये कह दो कि अब तेरी इच्छा, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। अपना कर्म करो लेकिन उसे जिद मत कर बैठो कि मैं ठीक ही कर लूंगा, क्योंकि सूर्योदय से सूर्यास्त तक राज्य था सिकंदर का। तुम्हारे पास कितना धन होगा? 1,000, 2,000 करोड़, 50,000, 100,000 करोड़, और क्या, इतना ही ना, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन सिकंदर इतना बड़ा उसका राज्य था कि उसी के राज्य में सूर्योदय होते थे, उसी के राज्य में सूर्यास्त, इतना बड़ा मालिक था पैसा का, धन का। लेकिन क्या हुआ? कमी क्या थी सिकंदर को, सभी हाली मुहाली थे, लेकिन किया जब कूच दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, कुछ ले नहीं जा पाया। आगाह अपने मौत का कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। 100 साल की शरीर मानी जाती है कि 100 साल जिएंगे, लेकिन 1 सेकंड का भी भरोसा कोई गारंटी नहीं दे सकता। बोलने को बोल दे बात अलग है, लेकिन प्रमाणित कोई नहीं कर सकता। ऐसे नदियों को, ऐसे नाम को प्रणाम करने से, जपने से आपके पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। मां गंगा देवताओं की नदी, सुरसरी देवताओं की नदी कौन सी है? मां गंगा। और उन मां गंगा में से भी एक जो धारा निकली है वो कौन है? मंदाकिनी।
सुर सरिधारी नाम मंदाकिनी। उनके दर्शन मात्र से बड़ा अघ पाप वो सब हर लेती है माँ मंदाकिनी। कहाँ विराजमान है? श्री चित्रकूट धाम में। और प्रभु जब चित्रकूट धाम पहुंचे तो माँ मंदाकिनी को प्रणाम किया, वंदन किया, और कोल भीलों ने भगवान के उस रहने की सेवा करके सुंदर आज वहाँ व्यवस्था की। प्रभु यहाँ चित्रकूट में जब पहुंचे, निवास किए, तो उधर सुमंत जी जब भगवान को समझाए थे कि आप चलिए, महाराज दशरथ ने मुझे कहा है आपको लेकर चलो, लेकिन प्रभु ने सुमंत जी को समझा कर लौटा दिया। तो सुमंत जी जब अवध पहुंचे तो महाराज दशरथ इसी आशा में अब तक जीवित थे कि प्रभु राम सुमंत के साथ लौट आएंगे। लेकिन सुमंत भी जब लौटे अकेले और भगवान के ना लौटने की खबर बताई तो महाराज दशरथ के हृदय में इतना दुख हुआ, इतना विषाद हुआ कि प्रभु राम के वियोग में राम राम कही राम कही राम राम कही राम, इतना दुख हुआ कि प्रभु राम के प्रेम में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। राव गए सुरधाम। महाराज भगवान राम का वनगमन हुआ, महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। श्री अवध पर मानो ऐसा लग रहा है जैसे दुखों का विषाद का पहाड़ टूट पड़ा। तो गुरु वशिष्ठ जी ने, क्योंकि जिस समय ये सब हुआ श्री भरत जी महाराज अवध में नहीं थे, ननिहाल में थे, तो जब महाराज दशरथ ने अपने शरीर को त्यागा, प्राणांत हो गए, उनके देहांत हो गया, तो गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ के देश के पंच भौतिक शरीर को नौका पर रख दिया और धावकों को श्री अवध से तुरंत दौड़ाया कि जाके भरत को बुला लाओ। लेकिन यहां भरत जी, जब से अवध में ये सब हो रहा था, भरत जी को सोचना तो कोई नहीं थी, लेकिन अशुभ स्वप्न आना शुरू हो गए थे, अशुभ संकेत, अमंगल संकेत होना शुरू हो गए थे। अब भरत जी मन ही मन में प्रतिदिन डरते थे कि ऐसा अमंगल संकेत तो कभी नहीं हुआ, क्या बात है, सब कुशल तो है अवध में हर जगह, क्या होने वाला है। एक दिन रात्रि में स्वप्न देखा, बहुत अशुभ स्वप्न, अमंगल स्वप्न। घबरा के श्री भरत जी उठे, स्नान आदि किया, भगवान शिव को प्रणाम किया और रुद्राभिषेक करने बैठ गए। जैसे ही रुद्राभिषेक करने श्री भरत जी बैठे, अवध से जो धावक दौड़े थे भरत जी के समक्ष पहुंच गए। भरत जी ने अयोध्या के धावकों को देखा तो डर थोड़ा और बढ़ गया कि आखिर क्या बात हो गई। धावकों ने कहा, महाराज गुरु देव ने आपको याद किया है, आपातकालीन स्थिति में अतिशीघ्र आप अवध चलो। अब गुरुदेव का बुलावा, वो भी तुरंत, ये सुनकर भरत जी की डर और बढ़ गई कि क्या हुआ होगा, सब ठीक तो है, सब कुशल तो है। रथ पर सवार होकर बिना विलंब किए श्री भरत जी अवध की ओर चले। तीसरे प्रहर दिन के अवध में श्री भरत जी पहुंच गए, लेकिन अयोध्या को आज भरत जी ने देखा, अनुभव किया कि वो रास, वह आनंद, वह सुख, वह ऐश्वर्य सब कुछ होते हुए अयोध्या में आज एक सूनापन है, ऐसा भरत जी ने अनुभव किया। वो प्रसन्नता दिखी नहीं, लेकिन आज भरत जी सबसे पहले माँ कौशल्या के कक्ष में नहीं गए, माँ सुमित्रा के कक्ष में नहीं गए, माँ कैकेयी के कक्ष में गए। क्यों? क्योंकि भरत जी को पता था कि जिस समय वो अवध में आए हैं, इस समय सारे लोग परिकर माँ कैकेयी के कक्ष में ही होते हैं। तो भरत जी ने सोचा कि मैं माँ कैकेयी के कक्ष में चलूंगा तो एक साथ सबसे मिल लूंगा। माँ कैकेयी के कक्ष में जब गए तो आरती की थाल लेकर माँ कैकेयी विराजमान थी। तिलक किया, भरत जी ने कहा, मैया हुआ क्या है, अवध में इतना सुनसान क्यों है, सब कुशल तो है, सब ठीक तो है। जब सूचना श्री भरत जी को महाराज दशरथ के पिता के मृत्यु की मिली तो लगा मानो श्री भरत जी ने अपने हृदय से, अपने सिर पर से आज वह हाथ पिता का जैसे ही हटा, श्री भरत जी को लगा कि वो तो अनाथ, और अनाथ तो पिता के बाद एक पुत्र हो ही जाता है। दुख के सागर में श्री भरत जी महाराज डूब गए। शत्रुघ्न जी बगल में खड़े थे, इस दुख से उबर नहीं पाए थे कि तब तक उस मंथरा ने
आज भगवान राम के वनगमन की बात माँ कैकेयी के द्वारा श्री भरत जी को बताई। और ज्यों ही भगवान राम के वनगमन की बात भरत जी ने सुनी, पिता की मृत्यु भूल गए, भगवान राम का वनगमन हावी हो गया, प्रधान हो गया, पिता की मृत्यु भूल गए और प्रभु राम का वन जाना, ये दुख श्री भरत जी के मन पर हावी हो गया। तुलसीदास जी लिखते, भरत ही बिसरे हो पितु मरण, बिसर गए, पिताजी का मरना भूल गए, सुनी राम वन, भगवान राम का वनगमन वाली बात सुनकर पिता की मृत्यु भूल गए, भगवान राम का वनगमन वाला दुख प्रधान हो गया। और जब पूरी बात जानी तो जो आज श्री भरत जी ने माँ कैकेयी को बहुत बोला है, बहुत कोसा है, यहाँ तक कह दिया कि अरे मैया, अगर ऐसा कलंक मुझ पर लगाना ही था तो जिस समय मैं जन्म लिया मेरी मृत्यु क्यों नहीं कर दी, मुझे मार क्यों नहीं डाला, इतना कलंक अगर मुझे लगाना था तो। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, भरत जी कहते हैं कि माँ तुझे तो माँ कहते वक्त भी मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, अरे मेरा कितना बड़ा भाग्य था, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य था, हंस की तरह विवेकी मेरा कुल, महाराज दशरथ जैसे मेरे पिता थे, राम लक्ष्मण से मेरे भाई, मुझे क्या कमी थी, मेरे भाग्य का तो क्या पूछना, लेकिन हे मैया एक तू गलत मिल गई, हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, लेकिन जननी तू जननी भई, विधि सम कछु न बसाई, हे माँ तू अपनी माँ की तरह हुई, इसमें विधि का कोई गलती नहीं है, जैसा माँ हो जैसी माँ होती है, माँ का गुण अपनी पुत्री में आता है, हे माँ तू अपनी माँ की तरह हुई, तेरी माँ का गुण तुझ में आ गया, कौन सा गुण, कैकेयी मैया के पिता का नाम था महाराज कैकेयी नरेश, महाराज कैकेयी नरेश को एक वरदान प्राप्त था कि वो सारे पशुओं की भाषा समझ सकते थे, लेकिन अगर ये रहस्य किसी को बता देते, अगर ये रहस्य किसी को बताते तो उनका प्राण, उनकी मृत्यु हो जाती। एक दिन महाराज कैकेयी नरेश अपने राजमहल में भोजन करने बैठे थे, महारानी समक्ष सामने बैठी थी, दो चींटियों के आपस के बीच की बात सुनकर भोजन करते हुए महाराज को कैकेयी नरेश को हंसी आ गई। एक चींटी कुछ अन्न लेके जा रही थी तो दूसरी चींटी ने आके उसे रोक दिया, ए तो राजमहल के बाहर की होकर और राजमहल का अन्न लेके जा रही है, रखो। ये दो चींटियों की बात सुनकर महाराज को हंसी आ गई। अब सामने कैकेयी की माँ बैठी थी, उसने पूछ दिया, महाराज आप हंसे क्यों, क्या कारण है, क्यों हंसे आप महाराज। महाराज कैकेयी नरेश ने कहा, देवी कोई बात नहीं, ऐसे ही बस मुस्कुरा दिया, कोई बात याद आ गई। नहीं नहीं आप बताओ आप क्यों हंसे, क्या कारण है, जिद कर बैठी। महाराज कैकेयी नरेश ने कहा, देखो मैं बता नहीं सकता, ऐसी कोई बात थी, मत पूछो, जिद मत करो, एकदम जिद कर बैठे कि नहीं आपको बताना होगा। अंत में महाराज कैकेयी नरेश ने यहां तक कह दिया कि महारानी अगर मैं ये रहस्य बता दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। कैकेयी की माँ ने कहा, महाराज कुछ भी हो जाए मुझे बताइए आप क्यों हंसे। तो महाराज कैकेयी नरेश ने वो रहस्य खोल दिया, बता दिया, और बताते ही उनकी मृत्यु हो गई। जिद ने, महारानी कैकेयी की माँ के जिद ने कैकेयी नरेश की मृत्यु तक को बुला दिया, महाराज कैकेयी नरेश मर गए। आज भरत जी अपनी माँ को वही ताना मार रहे हैं कि जननी तू जननी भाई विधि सम, जैसे तेरी माँ ने इतना जिद कर लिया कि अपने उन पति की बात को भी नहीं समझा और उनके मृत्यु का कारण बनी, वैसे ही महाराज दशरथ ने कोप भवन में कैकेयी से यहां तक कह दिया था कि देखो अगर राम बन गए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं बचूंगा नहीं, तुम सब कुछ मांग लो, राम को वन क्यों भेज रही हो। लेकिन कैकेयी ने कहा, कुछ भी हो जाए आप अपने वचन को पूरा करो। वही भरत जी ताना मान रहे हैं, ये जानते हुए भी जैसे तुम्हारी माँ ने जिद कर बैठी और अपने पति के मृत्यु का कारण बनी, हे माँ तूने भी मेरे पिता को आज अपने जिद के कारण मृत्यु तक पहुंचा दिया। राम दशरथ जी कहते हैं, भरत जी कहते हैं कि मेरा सौभाग्य कितना सुंदर था,
हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई लेकिन जननी तू जननी भई विधि सम कछु न बसाई। हे माँ तू अपनी माँ की तरह हुई इसमें विधि का कोई विधान नहीं है। भरत जी ने खूब कोसा है मंथरा आई शत्रुघ्न जी ने प्रहार किया मारा मंथरा को रक्तपात हुआ तो भरत जी ने रोका कि भाई शत्रुघ्न किसे किसे मारोगे आप जब हमारा भाग्य ही मारा हुआ है तो अब किसी को मार के क्या। श्री भरत जी यहाँ से लौटे और माँ कौशल्या के कक्ष में जब माँ कौशल्या से मिलने गए तो जब से प्रभु राम वन गए थे माँ कौशल्या के नेत्र पथरा गए थे रो रो करके माँ कौशल्या का हृदय विदीर्ण हो गया था एकदम पत्थर सी माँ कौशल्या बैठी हुई थी। भरत जी ने जाके कहा माँ प्रणाम मैया प्रणाम मैया। माँ कौशल्या को कोई सुध बुध नहीं थी कि कौन बोल रहा है कौन आया है कौन गया है। भरत जी ने चरणों को छुया स्पर्श के हिलाया माँ मैया मैं भरत। माँ कौशल्या को जब अपने भान में आई भरत को देखी नेत्रों से अश्रु बिंदु भरत को देखकर टपक पड़े और श्री भरत जी माँ को हृदय से लगाकर दोनों रोने लगे। भरत जी ने कहा मैया बोलना बहुत कुछ चाह रहे हैं श्री भरत जी बोल नहीं पा रहे हैं। माँ कौशल्या के पास अब तक कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं था कि जिससे अपने हृदय या दुख की बात बता पाती। अरे दो ही तो एक स्त्री के जीवन में होते हैं या तो पुत्री या तो पति या तो पुत्र जिनसे अपने मन की बात के पुत्र वनवास हो गया पति का स्वर्गवास हो गया और महाराज साथ में कोई अपना दुख कहने को नहीं। आज जब माँ कौशल्या को भरत जी मिले तो माँ ने अपना दुख श्री भरत जी से बताया कि मेरे आंखों के सामने भरत तुम्हारे पिता अपने प्राणों को त्याग दिए और मेरे आंखों को सामने राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए मैं कुछ नहीं कर पाई भरत उनकी सुध मुझे हमेशा आती है। माँ कौशल्या कह रही है भरत जी से मोहे रघुवर की सोधि आई मोहे रघुवर की सोध वन निकले दोनों भाई घर से वन निकले दोनों भाई घर से वन निकले दोनों भाई घर से वन निकले रघुवर की सोधि आई मोहे रघुवर की सोध आई आगे आगे राम चलत है पीछे लक्ष्मण भाई राम चलत है पीछे लक्ष्मण भाई आगे आगे राम चलत है पीछे लक्ष्मण भाई उनके पीछे सही न जाई मोहे
जैसे महाराज दशरथ की उस अंतिम अंत्येष्टि क्रिया संस्कार को जब करवाना प्रारंभ किया तो भरत जी ने एक एक नियम को, एक एक विधान को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार किया, ताकि भरत के मन में आया कि कल कोई ये ना कहे कि प्रभु राम नहीं थे, ज्येष्ठ पुत्र भैया राम नहीं थे। तो भरत ने अपने पिता के अंत्येष्टि क्रिया में कोई कमी कर दी। महाराज की अंत्येष्टि क्रिया पूर्ण हुई, लेकिन कुछ दिन श्री अवध में यूं ही दुख विषाद में जब बीते, तो एक दिन महाराज वशिष्ठ जी ने, गुरु वशिष्ठ जी ने एक सभा बुलाई। उस सभा में तीनों माताएं, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सारे सभासद, मंत्री, सैनिक, सब कुछ अवध्यावासी सब विराजमान थे। जब सब आ गए तो गुरु वशिष्ठ जी उस सभा में खड़े होकर और कहा कि महाराज दशरथ ने जो दो वचन कैकेयी को दिए थे उसमें से एक वचन पूरा हो गया है। दो वचन क्या था? कहा पहला भरत को टीका और दूसरा भगवान राम को वनगमन। उस सभा में गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि एक वचन तो पूरा हो गया है, भगवान राम को वनगमन हो गया, लेकिन एक वचन महाराज दशरथ का बचा है, इसलिए भरत तुम राजगद्दी अब स्वीकार करो, राज्याभिषेक तुम्हारा राज तिलक होगा। भरत जी सभा में खड़े हुए और गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करके बोले, महाराज मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन महाराज एक बात बताओ, आपके अनुमति के बिना अयोध्या का एक पत्ता भी नहीं हिलता, आपकी आज्ञा के बिना हम कोई कार्य नहीं करते, लेकिन फिर भी जरूर हम अवधवासियों से कोई भूल कोई गलती हुई होगी, तभी तो आज आपके रहते अवध पर इतना बड़ा संकट आन पड़ा है। कितनी भाव से श्री भरत जी ने आज अवध में जो कुछ भी हुआ उसका सारा सारी जिम्मेदारी गुरु वशिष्ठ जी पर डाली, कि जब आपके संरक्षण में अवध था, जब आपके संरक्षण में सब था, तो ये सब कैसे हो गया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। बड़े भाग्य से ये मन कथा में लगता है, जल्दी लगता नहीं है, अन्य कामों में तुरंत लग जाएगा, लेकिन भगवान के भजन में सत्कर्म में बहुत देरी से लगता है, और जैसे लगने को बहुत देरी से लगेगा और हटने को क्षण भर में हट जाता है, क्योंकि मन भी जान रहा है कि मन अगर इसमें लगा तो जीव के सुख का कारण है, और मन अगर इससे हटा तो जीव के पतन और दुख का कारण है। गुरु वशिष्ठ जी ने जब भरत की वाणी सुनी तो गुरु वशिष्ठ जी आज भरत जी की बात समझ गए, लेकिन निरुत्तर थे, कुछ कह नहीं पाए, बस उस सभा में उठे और भरत जी को बताते बताते बिलख पड़े। गुरु वशिष्ठ जी रोते हुए कहा कि भरत तुम बात तो सही कह रहे हो
कि मेरे संरक्षण में अयोध्या थी, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था अशुभ अमंगल। लेकिन भरत एक बात जान लो, छह चीजें इस धरा पर किसी के बस में नहीं है। कौन कौन सी? सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। भरत, ये छह चीजें किसी के बस में नहीं है, कौन कौन सी? सुनो भरत, जो भाभी है, संयोग है, वो प्रबल होती है, हानि और लाभ किसी के बस में नहीं है। अगर ये किसी के बस में होता तो लाभ सब लेते, हानि कोई नहीं लेता। जीवन मरण, भरत मरना और जीना, ये भी किसी के बस में नहीं है। अगर ये बस में होता तो जन्मते सब लेकिन मरता कोई नहीं। यश अपयश, भरत ये भी किसी के हाथ में नहीं। अगर ये किसी के हाथ में होता तो यश सब लेते, अपयश कोई नहीं लेता। ये छह चीजें किसी के बस में नहीं है। भरत, एक वचन पूरा हो गया महाराज दशरथ का, एक वचन बचा है, राज तिलक करवाओ और राजगद्दी स्वीकार करो। भरत जी ने इनकार कर दिया कि मैं राजगद्दी स्वीकार नहीं कर सकता। तब महाराज गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत ये तुम क्या कह रहे हो, तुम वचन का पालन करने से मना कर रहे हो? अरे जिस वचन का पालन करने के लिए भगवान राम वन को चले गए, जिस वचन का पालन करने के लिए महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, भरत तुम उन्हीं वचनों को पालन करने से मना कर रहे हो? भरत जी ने कहा, गुरुजी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा। सब ने कहा कि नहीं भरत जी, महाराज आप वचन का पालन करने से मना कर रहे हो, ये आप नियम तोड़ रहे हो, वचन तोड़ रहे हो। तब भरत जी ने कहा कि मुझे ये सिखाने वालों कि मैं वचन का पालन नहीं कर रहा, पहले मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने वचन का पालन क्यों नहीं किया? सबको आश्चर्य हुआ कि हमने कौन से वचन का पालन है, हम तो पालन कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत साफ साफ कहो, क्या आरोप लगा रहे हो, हमने कौन सा वचन तोड़ा, हमने कौन से वचन का पालन नहीं किया? भरत जी ने कहा, मुझे जो कह रहे हो कि मैं वचन तोड़ रहा हूं, वचन का पालन नहीं कर रहा हूं, पहले आप लोग बताओ, आप लोगों ने वचन तो क्यों तोड़ा, आप लोगों ने नियम क्यों तोड़ा, कौन सा नियम तोड़ा हमने, भरत साफ साफ कहो। भरत जी ने कहा, ये बताओ, मेरी माँ ने अगर पहला वरदान मांगा था भरत को राजगद्दी और दूसरा वरदान मांगा था भगवान राम को वनगमन, तो आप लोगों ने नियम क्यों तोड़ा, आप लोगों ने वचन क्यों तोड़ा? अगर पहला वरदान मुझे राजगद्दी थी तो पहला वरदान पूरा किए बिना, मुझे राजा बनाए बिना, मेरा राजतिलक राज्याभिषेक किए बिना दूसरा वरदान भगवान भैया राम को वन क्यों भेजा गया? अरे एक बार अगर मुझे आप सूचना देते ये भरत राजा बन जाता, तो फिर भरत देखता कि उसके प्रभु राम वन कैसे जाते। मुझे किसी ने सूचना नहीं दी, मुझे इस योग भी नहीं, इतना सब कुछ अवध में हो गया, मुझे बताया भी नहीं गया। वचन आपने तोड़ा है महाराज, वचन मैंने नहीं तोड़ा। सबकी दृष्टि नजरें झुक गई, बात भरत भैया की सच थी, कोई बोल नहीं पाया। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत बात तुम्हारी सही है, गलती तो हम सबसे चूक हो गई, लेकिन अब आप ही बताओ हम क्या करें। जब सारे लोगों ने मिलकर भरत जी की ओर देखा कि अब आप बताओ हम क्या करें, चूक तो हमको हो गई, कैसे भूल सुधारें, भरत जी ने नेत्रों में अश्रु प्रेमाश्रु छलकते ही वे कहा करुण स्वर में कि अगर मुझसे पूछते हो क्या करना है, तो मैं तो आज भी अभी भी यही कहूंगा कि भैया राम को गए, ज्यादा दिन नहीं हुए, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, तैयारी करो, राज तिलक की सारी सामग्री ले लो, चलो प्रभु राम जहां मिलेंगे वहीं राज तिलक होगा और मैं प्रभु राम को मना कर ले आऊंगा, मेरा तो यही कहना है। ये सुनकर सारी अयोध्या में प्रसन्नता की लहर छा गई। लोगों ने सोचा कि प्रभु राम वापस लौटे चाहे ना लौटे, लेकिन इसी बहाने हमें एक बार फिर राजा राम के दर्शन तो होंगे। पूरी अवध में एक प्रसन्नता, एक लहर सी छा गई।
सबने हाथी सज गए, घोड़े सज गए, रथ सज गए, सेनाएं सज गई, तैयारियां होने लगे राज्याभिषेक की, सब सामग्रियों की। उस रात अवध में कोई सोया नहीं, किसी को नींद ही नहीं आई कि सुबह चलना है। तीनों माताएं तैयार हो गईं अवध में, सारा अवध, सारी अयोध्या तैयार हो गई चलने, लेकिन घर में तो एक लोग का रहना जरूरी है। हाँ, तो जिस किसी को अयोध्या में कोई ये कहता कि तुम्हें नहीं चलना है, तुम घर में रहो, घर देखो, तो उसे ऐसा लगता था कि मानो सबसे बड़े अभागे हम ही हैं। किसी तरह रात बीती, सवेरा हुआ, रथ तैयार हो गए, हाथी घोड़े सब सज गए, नगरवासी सज करके गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी, तीनों माताएं रथ पर सवार हुई और श्री भरत जी प्रभु राम को मनाने अवध से चित्रकूट की ओर चले। भक्त कहते हैं, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, आप भी श्री भरत जी के साथ हो जाओ और चित्रकूट धाम की यात्रा करो, क्योंकि श्री भरत जी की अवध से चित्रकूट की यात्रा को जीव से परमात्मा के मिलन की यात्रा भी कही गई है। इसलिए आप भी श्री भरत जी के साथ हो। भरत भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया लखन को साथ हो लो। प्रेम से कहो सियापति राम चंद्र की। को मना
सब तज भजन कर जब चले तो भरत जी के मन में आया कि मेरे स्वामी मेरे प्रभु राम तो रथ पर गए थे तो मैं तो सेवक हूं और मुझे तो पैदल चलना चाहिए। तो अपने रथ से उतरकर श्री भरत जी पैदल चलने लगे। जब भरत जी को उतरा देकर रथ से पैदल चलते सेना ने देखा तो सब अपने रथ हाथी घोड़ों से उतर के पैदल चलने लगे। देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य होता है ना, कहीं कहीं तो देखा देखी दान भी होता है। दिखावे के पूजा, दिखावे के भक्ति क्यों महाराज? दान भजन पूजन गुप्त होना चाहिए, संसार से गुप्त, और परमात्मा तो देख ही रहे हैं। अगर दिखावे के उद्देश्य से दान पूजा भक्ति कर रहे हो तो पूरा फल नहीं मिलता। फल तो मिलता है लेकिन पूरा फल नहीं मिलता। और तुम्हारा उद्देश्य अगर दिखावा नहीं है, मात्र प्रभु का दान है, प्रेम है, तो उसका 100 गुना फल मिलता है। तो दिखावे के लिए कोई काम मत करना। देखा देखी पुण्य तो ठीक है लेकिन देखा देखी पाप ठीक नहीं है, तो इसलिए देखा देखी मत करना जीवन में, या किसी को दिखाने के लिए मत करना। दान भजन पूजन गुप्त होना चाहिए। कुछ लोगों को मैं देखता हूं जब मंदिर के सामने से जा रहे होते हैं तो अगर उनको कोई देख रहा होता है तो उतर के 10 मिनट बढ़िया साष्टांग प्रणाम करेंगे, खूब मनाएंगे भगवान, और अगर देखते हैं कोई देख नहीं रहा है तो झट से इसे प्रणाम करके गड़िये में बैठे बैठे चल देते हैं। मतलब प्रणाम भी लोगों को दिखाने के लिए, भगवान के लिए नहीं। ऐसी प्रेम ऐसी भक्ति किस काम की। लोग दान देते हैं अच्छी बात है, तो दान तुमने दिया यज्ञ के लिए, परमात्मा के लिए, तो जिसको दिया वो जान रहा है ना, तो दुनिया को जनाने की क्या आवश्यकता है। दान देने के बाद मार नाम बोलो, ये करो वो करो, गुप्त दान होना चाहिए। जिसको दिखा रहे हो वो देख रहा है, वो जान रहा है। तुम्हारी इच्छा ना हो कि तुम्हारा नाम बोला जाए या बताया जाए, तुमने जहां दान दिया है अपने आप प्राकृतिक तरीके से अगर तुम्हारी बात ओपन हो गई तो ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दान आपको करता हुआ देखकर किसी और का भी मन बनेगा, इसमें कोई समस्या है। लेकिन आप अपने दान पूजन का प्रचार करने के लिए अगर देंगे तो ये तो गलत है। एक यज्ञ हो रहा था, एक सेठ गया दान दिया, जो दान लिख रहे थे अनाउंस कर रहे थे उन्होंने पूछा भाई आपका नाम, इसने कहा नहीं 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 गुप्त दान। क्या कहा? गुप्त दान। लिखने वाले ने जो अनाउंस कर रहा था दान का यज्ञ में, उसने कहा भाई कुछ बताओ, नाम बोलना पड़ेगा ना। सेठ ने कहा नहीं नहीं हमारा गुप्त दान है, हम नाम नहीं बुलवाते। उसने कहा ठीक है। अब कुछ देर वो व्यक्ति बैठा, कुछ देर कार्यक्रम चला, तो वो जा करके जो अनाउंस कर रहे थे भाई साहब उनसे बोला एक काम करो नाम मत बोलो लेकिन इतना बोल दो कि जो दान दिए हैं ना गुप्त दान वो इसी पंडाल में बैठे हैं। तो बोल दिया कि जो दान गुप्त दान दिए हैं वो इसी पंडाल में बैठे हैं। आधा घंटा बीता फिर से नहीं रहा गया, फिर गया अनाउंस करने वाले के पास, बोले एक काम करिए थोड़ा सा और बोल दिए। बोले क्या? बोले कह दीजिए कि जो दान दिए हैं वो आगे वाले लाइन में 4th नंबर पर बैठे हैं। बताओ कहां का गुप्त रह गया। ऐसा गुप्त दान जो करता है उनको तो चित्र गुप्त मिलते हैं। जब दिखावा का हो गया पूजा भक्ति तो वो तो भाव तो रहा ही नहीं उसमें।
श्री भरत जी पैदल चलने लगे तो देखा देखी सब चलने लगे। माँ कौशल्या को जब ये बात पता चली तो माँ कौशल्या ने श्री भरत जी को बुलाकर समझाया और कहा, भरत तुम रथ पर बैठ जाओ, तुम भक्त हो, संत हो, तुम्हें साधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हारा देखा देखी ये भी कर रहे हैं, इनको साधन की आवश्यकता है। गुरु संत महात्मा इनको देख करके तुम भी वैसा मत करने लगना, क्योंकि वो तो अपना उत्तीर्ण हो चुके हैं, उस संघर्ष उस तपस्या की श्रेणी को पार कर चुके हैं, तब वहां तक पहुंचे हैं, तुमको अभी करना है, वो जैसा करते हैं वैसा तुम मत करने लग जाना। भरत जी रथ में तो बैठ गए, लेकिन भरत जी ने सोचा कि आखिर मेरे नियम में बाधा क्यों आई, क्या गलती थी। भरत जी ने पकड़ लिया कि मेरी गलती इतनी हुई कि मैं इस तरह से पैदल चला कि लोग मुझे देख सके, अगर मैं चुपचाप चलता कोई देखता ही नहीं तो ना माँ कौशल्या को पता चलती, ना व्यवस्था बिगड़ती, ना मेरे नियम में बाधा आती। पूजा पाठ भक्ति का जो भी तुम नियम बनाए हो वो अगर गुप्त रहेगा तो ठीक है, अगर प्रचार हुआ तो उसमें बाधा आने निश्चित है। दान पुण्य करने का जब मन करे तो इतने जल्दी कर दो कि एक संत ने तो कहा है कि दान पुण्य करने का मन करे तो तुरंत दाहिने हाथ से निकाल के दे दो, बाएं हाथ को पता भी ना चले। अगर इसको पता चला तो दाहिना हाथ निकालेगा, दान करने से पहले बाएं में रखेगा तो गिनेगा कि कितना है, तो नोट कौन सी है, तो कौन सा दें, कितना दें। तो संकल्प विकल्प में हो सकता है कुछ दो, या ये भी हो सकता है कि सारा फिर से रख लो, मन तुरंत भटका देता है। इसलिए जब मन हो, जितना मन हो, जो स्वेच्छा, तुरंत जहां भी हो इच्छा कर दो। एक सेठ जीवन भर दान पुण्य नहीं किया, बड़ा करोड़पति, उसके बच्चों ने, बेटों ने, पोतों ने कहा, अरे दादाजी, अरे थोड़ा सा तो दान पुण्य कुछ कर दो, जिंदगी भर नहीं किए हो। जब बहुत लोगों ने समझाया तो एक रुपया आपने खजाने करोड़ों में से निकाला, एक का सिक्का, और देखा कहीं कथा चल रही, सोचा आज दान करेंगे, गया एक का सिक्का, अप्रैल का महीना था, कथा चल रही थी, एक का सिक्का मुट्ठी में बांध करके बैठा, और जब कथा पूरी हुई तो सोचा जाके बाबा जी को चढ़ा दे, जब मंच पे गया जैसे मुट्ठी खोला के चढ़ा दे तो देखा भाई तीन घंटा से मुट्ठी बांधे रहोगे, गर्मी का समय तो पूरे हाथ में पसीना हो जाएगा। तो जैसे ही सेठ ने खोला कि अब दान कर दें तो देखा पूरा गीला गीला, सेठ ने कहा कि ओ मेरे एक के सिक्के, तुम बहुत रोते हो, जाने दो, तुमको दान नहीं करूंगा, उठा के फिर जेब में रख लिया, नहीं दिया। कि हम समझ, एक के सिक्कवा को कहा कि ओ हम समझ रहे हैं तुम हमसे दूर जा रहे हो, सो रो रहे हो, हम तुमको नहीं देंगे किसी को, चलो हमारे, एक रुपया भी नहीं दिया। तो ऐसे ऐसे कंजूस सेठ हैं। एक सेठ इतना कंजूस था, इतना कंजूस था महाराज कि वो सोचता था कि पूजा पाठ में बड़ा पैसा लगता है, कोई ऐसे गुरु मिले जो बिना पैसा वाला पूजा हमसे बता दे, करवा दे, वही वाला ठीक है। खोजने लगा, कहीं जा रहा था तो एक माइक लगी थी, कथा चल रही थी, तो जो वक्ता थे गुरुजी वो कथा में कह रहे थे कि सबसे श्रेष्ठ है मानसी पूजा, भगवान की मन से पूजा करो। तो सेठ ने सुना, इसने सोचा रे तो लगता है मेरे काम की बात है, लौटा कथा में देखा, सुना, कथा पूरी हुई तो महाराज जी के पास पहुंच गया। महाराज कुछ शंका है, हाँ भैया बोलो। बोले आप मानसी पूजा कर रहे थे, कैसे होती है? तो गुरु जी ने बताया कि स्नान ध्यान करके भगवान के कक्ष में बैठो मंदिर में, और नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करो, उन्हें मन से स्नान कराओ, सब मन से करना है, नैवेद्य चढ़ाओ, धूप दीप अगरबत्ती चढ़ाओ, सब मन से करना है, भोग लगाओ और आरती करके प्रणाम करके मानसी पूजा। सेठ बड़ा खुश हुआ कि तो बढ़िया है, इसमें तो एक रुपया भी लगना नहीं है, सब मने से करना है, धूप दीप फूल माला अगरबत्ती कुछ खरीदना ही नहीं है, बड़ा प्रसन्न हुआ। अब गया मानसी पूजा करने लगा। एक दिन आके बिहारी कन्हैया का ध्यान किया कि आज इनका पूजा करेंगे, आंख बंद किया तो भगवान को स्नान कराया सेठ, है वस्त्र पहनाया, चंदन टीका श्रृंगार किया बढ़िया, और फिर नैवेद्य भोग लगाया, तो माखन प्रिय है तो माखन चढ़ाया, सब मन से कर रहा है, माखन चढ़ाया, जब भगवान को भोग लगाया तो सेठ ने सोचा कि माखन बिना शक्कर के भगवान कैसे खाएंगे, तो थोड़ा सा शक्कर डालने लगा माखन में, तो शक्कर डालने लगा तो शक्कर चीनी थोड़ा सेठ से ज़्यादा गिर गई,
तो सेठ सोचा कि ज्यादा गिर गई है, निकाल लूं फिर काम आएगा, संबंध से कर रहा है। तो सेठ जब मक्खन में से चीनी निकालने लगा तो भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिए कि अरे लाला मन से तो चढ़ाया है, कौन सा तेरा पैसा लगा है, ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मन से चढ़ा रहा था शक्कर, वो भी ज्यादा गिर गया तो वह निकाल रहा था। आपने सुना होगा मक्खी चूस सेठ की कथा, सुने हो नहीं सुने हो? कथाएं संत महात्मा जो बताते हैं सच्ची घटनाएं हैं, कोई किस्सा कहानी नहीं है। भोजन करने बैठा था एक सेठ, बड़ा कंजूस। अब पत्नी घी लेकर आई, दाल में डाल दी तो घी ऊपर ही था और तब तक मक्खी गिर गई उसमें। अब मक्खी गिर गई तो पत्नी मक्खी को निकाल के फेंक रही थी तो सेठ दौड़ा के, अरे रुको रुको रुको, मक्खी लिया उसमें जो घी लगी थी उसको तब फेंका, तब से नाम पड़ गया मक्खी चूस सेठ। ऐसे ऐसे कंजूस हैं जग में, क्या करोगे? परमात्मा नहीं दिए हैं दान पुण्य के लिए, नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, समझ में आता है। लेकिन अगर कन्हैया राजा राम सरकार श्री जगन्नाथ जी आपको उस योग्य बनाए हैं तो पहले घर परिवार का जो खर्च है वो करने के बाद, भविष्य में जो आपको कुछ धन संचय करना है वो करने के बाद अगर कुछ बचता है तो ऐसे संत गुरु जहां आपको सत्यता दिखे, निष्ठावान दिखे, वहां अवश्य कुछ आप धन धर्मशाला में दान कर दो। कहीं भोजन भंडारा हो रहा है वहां करवा दो, दान दे दो। नहीं हो रहा है तो तुम ही भंडारा खुद ही कर दो कहीं। भंडारा तो कोई जात पात भूख तो देख के आती नहीं है। दान किसे कहते हैं? दान उसे कहते हैं जिसे उसकी जरूरत हो और मिल ना रही हो। ऐसे व्यक्ति को जो वस्तु दोगे वही तो दान है। वरना किसी व्यक्ति को शादी में तुम फंक्शन किए और जितने रिश्तेदार आए सबको 5,000 का वस्त्र भेंट किए तो उसको दान कहा जाएगा। तुम्हारे जितने रिश्तेदार थे सब ऐसा खरीद सकते हैं, सब पैसे वाले, उसको क्या कहते हो? भेंट है, पुरस्कार, इनाम या जो भी कह लो, गिफ्ट, उसको दान नहीं कहा जाएगा। दान कब कहा जाता? जब वही वस्त्र तुम किसी ऐसे व्यक्ति को देते जो वो खरीद पाने में सक्षम ना होता, उसको आवश्यकता जरूरत होती और जरूरतमंद व्यक्ति को देते तो वो दान कहलाता। तो दान और गिफ्ट में अंतर है। 99% लोग गिफ्ट करके दान समझ रहे हैं। कथाएं यज्ञ होती हैं, भंडारा होता है। तो भंडारा मतलब क्या? आपके घर परिवार के जो लोग अन्नदान, भंडारा मतलब अन्नदान। तो अन्न का दान किसे किया जाता है? जो अन्न ना खा पाए, जिसे नहीं मिल पा रहा हो, एक उसे किया जाता है और दूसरा शास्त्रों में नियम है ब्राह्मण को भोजन कराया जाए क्योंकि वो देवता हैं। अब आप औपचारिकता निभानी है तो घर परिवार रिश्तेदारों को भी भोजन कराओ, सब कुछ कराओ, लेकिन ये दान नहीं कहा जाएगा। दान कहा जाएगा जब किसी जरूरतमंद को जो भोजन नहीं कर पा रहा हो या सक्षम ना हो, उसे अपने भंडारे में 2-4, 10-20, 50 जो हैं उनको तुम अन्न दान करो, उनका पेट भरे तो उनके हृदय में भी परमात्मा निवास करते हैं। भंडारा करो, दान करो, तो दान में 2-4-10 लोगों को लगा दो कि तुम्हारा जहां भंडारा हो रहा है उसके 10-20 किलोमीटर में अगर कोई है भूखा तो उसको निवेदन करके ले आओ, भोजन कराओ और पहुंचाओ। 10-20 ऐसे लोगों को लगा दो। लेकिन आजकल का तो भंडारा मैं देखता हूं, भंडारा जब होता है तो 10-20 कार्यकर्ता लगे तो होते हैं, लेकिन किस लिए पता है? जो बेचारे भूखे हैं उनको अंदर ना आने देने के लिए, रोकने के लिए। दुर्भाग्य है महाराज। अब सब अंदर प्रेम से भोजन कर रहे हैं, जिनका घर मकान बढ़िया है सब कुछ है, और जिनको जरूरत है वो खड़े होकर ताक रहे हैं। बताओ ये भी कोई दान है? इसको दान कहोगे? जाने अनजाने में महाराज त्रुटि हो रही है। भूख की कोई जात नहीं होती, भूख की कोई बिरादरी नहीं होती। सर्वधर्म संभाव। आप अपने घर परिवार रिश्तेदारों को भी कराओ भोजन भंडारा, खूब करो। ब्राह्मणों को कराओ वस्त्रदान, जो नियम है शास्त्र के नियम का पालन करो, खूब करो। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखो कि भोजन जब हो, भंडारा करवाओ, तो 2-4, 10-20, 50 जो भी आसपास जितना क्षमता हो, जो भूखे हैं जिनको नहीं मिलता उनको आप कराओ। ठंडी आती है तो 2-4 साल से 10 साल से हम देख रहे हैं कंबल वितरण का एक बड़ा सुंदर चला है। बड़े बड़े सेठ महात्मा कंबल वितरण करते हैं, तो
तो कंबल वितरण किनको करते हैं पता है? वो चुपचाप निकलते हैं आधी रात को ठंडी में और गाड़ी में ढेर सारा कंबल रख लेंगे और देखेंगे जो जड़ा रहा होगा किनारे सोया होगा उड़ा के चल देते हैं। ई दान सही है, लेकिन बताओ ठंडी आए और अपने रिश्तेदारों को घर जाके एक एक कंबल दो कि ठंडी आई है आप ले लीजिए, तो कैसा लगेगा? उनको अपमान महसूस होगा कि क्या हम कंबल नहीं खरीद सकते जो हमको ठंडी मिला के इतना, तो वो दान हुआ। अगर उसी चीज को आप गिफ्ट समझ के दे दो तो खुशी खुशी रख लेंगे, वाह तो गिफ्ट है। जो व्यक्ति ले पाने में खरीद पाने में सक्षम है कोई चीज, उसको कोई वस्तु आप देते हो तो वो दान नहीं वो गिफ्ट है। और आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो लेकिन वो सक्षम नहीं है, उसको अगर कोई चीज दे रहे हो तो वो दान कहलाएगा। तो दान का महत्व जरूरतमंद के हिसाब से होता है। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो मेरे श्री भरत जी महाराज चल पड़े निषाद राज से मिले। निषाद राज के साथ आज जब वो मन में बात आई निषाद राज के कि अगर संशय हुआ कि श्री भरत जी के मन में कपट है प्रभु राम के प्रति, तो तीन प्रकार के भोजन से जब परखा तो भरत जी तो निर्गुणी निकले। और श्री भरत जी ने ये जाना कि मेरे भैया के मित्र हैं निषाद, तो हृदय से लगाकर प्रेम दिया, सुंदर संवाद हुआ, सवेरा हुआ। श्री भरत जी सारी सेना के साथ माँ गंगा को पार करके जब उस पार पहुंचे श्री भरत जी महाराज तो भरत जी के मन में आया गंगा पार करके, भरत जी मन में सोच रहे हैं कि अब तक गंगा के उस पार तक तो सुमंत मंत्री मेरे भैया राम के साथ थे, रथ से प्रभु आए थे, लेकिन यहां से तो प्रभु राम पैदल गए थे रथ से नहीं। जब भैया रथ से चले तो मैं सेवक हूं मुझे पैदल चलना चाहिए, और जब मेरे प्रभु पैदल चले तो मैं सेवक हूं मुझे तो सिर के बल जाना चाहिए। भरत जी मन में विचार कर रहे हैं सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सिर भर मन में श्री भरत जी विचार कर रहे हैं कि ऐसा विचार है क्या सिर भर उचित असमो सिर भर उचित असमो सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा सिर भर जाऊं उचित असमो किया कि मुझे तो कोई कहे सिर के बल जाना चाहिए लेकिन कम से कम पैदल तो मैं चल ही सकता हूं, क्योंकि सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है। और अब मैं इस बार ऐसे चलूंगा कि मुझे कोई देख ना सके, मेरे नियम मेरी भक्ति गुप्त हो कोई जान ना सके, इतनी भीड़ में मुझे देखता ही कौन है। श्री भरत जी महाराज पैदल चलने लगे, श्री प्रयागराज पहुंच गए। श्री प्रयागराज जब भरत जी पहुंचे तब सबको पता चला कि अरे भरत जी तो पैदल आ रहे थे। तब सब ने कहा कि आप कब उतरे कब पैदल चले, मैं इस प्रकार से चला। भरत जी ने कहा कि मुझे कोई देख ना सके, अर्थात आपकी पूजा भक्ति नियम में बाधा तब आने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं जब आप अपनी पूजा भक्ति का दिखावा प्रचार करो। जितनी गुप्तता होगी उतना ही संरक्षण होगा आप
आपके भक्ति पूजन तपस्या विधि विधान का। श्री भरत जी महाराज प्रयागराज पहुंचे, सबने संगम में स्नान किया, लेकिन भरत जी ने पहले माँ गंगा में स्नान किया, फिर उस पार जाकर माँ यमुना जी में स्नान किया, लेकिन संगम में स्नान नहीं किया। किसने भरत जी से पूछा कि महाराज आपने संगम में स्नान क्यों नहीं किया? भरत जी ने कहा, इसलिए क्योंकि मैंने गंगा में स्नान किया, फिर जाकर यमुना में, संगम में इसलिए स्नान नहीं किया क्योंकि गंगा यमुना के साथ संगम में गुप्त रूप से सरस्वती भी है, और इसी सरस्वती ने मेरे घर में उस मंथरा की बुद्धि फेरी जिसके कारण मेरे भैया वन गए और मेरे पिता की मृत्यु हुई, सो इसलिए मैंने संगम में स्नान नहीं किया। भरद्वाज जी के आश्रम में श्री भरत जी जब पहुंचे तो भरत जी ने सोचा कि मैं अपनी सफाई बताऊं, लोग मेरे विषय में गलत समझ रहे होंगे कि मैं राजपद का लोभी हूं। तो भरद्वाज जी ने पहले ही कह दिया कि भरत आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आपसे पहले प्रभु राम यहाँ आकर सब बताकर, भरत भरत बताकर चले गए हैं, आप एकदम निश्चिंत रहो, किसी प्रकार की आपको बताने की आवश्यकता नहीं। भरत भैया आपकी भाव से मैं प्रसन्न हूँ, आपको जो मेरे तीर्थराज प्रयाग में चारों पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, भरत जी बताइए आपको क्या चाहिए। भरत जी ने शुद्ध भाव से कहा कि महाराज मुझे ये चारों पुरुषार्थ नहीं चाहिए। भरद्वाज जी ने कहा, देखो मेरे प्रयागराज में चारों पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। भरत भैया आपको जो चाहिए ले लो। अर्थ चाहिए, भरत जी ने कहा अर्थ न, धर्म चाहिए, भरत जी ने कहा धर्म न, काम काम न, मोक्ष ले लो, मोक्ष भी है, भरत जी ने कहा नहीं मोक्ष भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। तो क्या लोगे भरत भैया? भरत जी ने कहा मुझे तो बस यही चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। जन्म जन्म मेरा भाव, मेरा प्रेम, मेरी बुद्धि ऐसे ही सद्बुद्धि में बनी रहे, प्रभु श्री राम के चरणों में रति मेरा अनुराग मेरा प्रेम बना रहे। श्री भरत जी जब लौटने लगे तो माँ गंगा माँ यमुना की लहरों को देखकर, देखत श्यामल नवल हिलोरे, उस गंगा माँ या यमुना के श्यामल रूप को, लहरों को देखकर भरत जी के नेत्रों में अश्रु आ गए, सरयू मैया की याद आ गई, और भरत जी ने माँ यमुना से कहा कि हे माँ मैं आज आपसे भीख मांग रहा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं होता, देना होता है, लेकिन जब कोई विवश मजबूर आर्त हो जाता है तो वो अपना कर्म भुला देता है, मजबूरी में तो कोई भी कुकर्म कर्म बैठता है। आज मैं विवश हूं, मजबूर हूं, विवश हूं, इसलिए मैं कोई भी काम कर रहा हूं, अपने धर्म को त्याग कर आज मैं ये काम कर रहा हूं। क्या मांगूं? भीख त्याग निज धर्म आरत काहन कीन्ह कुकर्म। हे मैया मैं क्षत्रिय हूं, मेरा धर्म मांगना नहीं है, लेकिन अपने धर्म को मैं त्याग कर मांगो भीख त्याग निज धर्म, अपने धर्म को त्याग कर मैं भीख मांग रहा हूं क्योंकि आर्त हूं, विवश हूं, मेरे प्रभु राम मुझे मिल जाएं, उनका प्रेम मुझे मिल जाए। ये मांग कर सारी समाज श्री भरत जी चित्रकूट की ओर बढ़ी तो लक्ष्मण जी को जब सूचना मिली, प्रभु राम बैठे थे, कोल भीलों ने आकर बताया कि भरत भैया सेना सहित आ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी को लगा कि भरत के मन में कपट है तो सेना लेके क्यों आ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि भरत के मन में अगर ऐसी बात है तो उसे मुझसे युद्ध करना होगा। भरत जी के विषय में लक्ष्मण जी ने कुछ आज गलत बातें समझ ली, गलत फहमी हो गई, क्योंकि आप ध्यान रखना शंका होना गलत बात नहीं है, लेकिन शंका को बिना किसी प्रमाण के सच मान लेना गलत है। इसलिए आप संशय तो करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक वो संशय प्रमाणित प्रूफ ना हो उसे सच मत मानना। लक्ष्मण भैया से त्रुटि हो गई। भगवान राम ने समझाया कि लक्ष्मण
बिना किसी प्रमाण के कोई बात किसी के विषय में मत कहो, और भरत को तो जानते हो ना, भरत नहीं हो इन राज मधु विधि हरि हर पद। भरत को तो कभी अहंकार हो ही नहीं सकता। भगवान ने समझाया, लक्ष्मण जी चुप हुए, लेकिन जब भरत जी समीप पहुंचे भगवान चित्रकूट में जिस गुफा में प्रभु रुके थे, भैया राम प्रभु राम ये आवाज चीखते चिल्लाते हुए भरत जी दौड़े प्रभु के उस गुफा में, तो भगवान बैठे हैं, उनसे रहा नहीं जा रहा। भरत के बिना नेत्रों में प्रभु राम के अश्रु आ गए, लेकिन प्रभु खड़े नहीं हुए। क्यों? क्योंकि प्रभु राम चाह रहे थे कि लक्ष्मण के मन में भरत के प्रति कुछ गलत विचार आ गए थे। लक्ष्मण मुझसे कहे कि मैं उठूं, मैं नहीं उठूंगा। भगवान अपने मन को दबाए बैठे थे, और लक्ष्मण जी भी जब समझ गए कि भरत तो ऐसे नहीं है, तो लक्ष्मण भी रहा नहीं गया। जब बार बार भरत भैया प्रभु राम भैया राम कह के दौड़ते हुए आ रहे थे, और लक्ष्मण जी ने देखा कि भैया राम उठ नहीं रहे, तब लक्ष्मण जी ने कह दिया, भैया भरत आए हैं, आप उठो भैया। ये सुनते ही आश्वासन पाते ही प्रभु राम दौड़े भरत की ओर, और भरत भैया दौड़े। आज भरत जी भगवान के चरणों में गिरना चाह रहे थे, लेकिन प्रभु श्री राम का रघुवीर सरकार का वेग इतना था कि अपने भैया भरत को चरणों में नहीं गिरने दिए, दौड़ करके श्री भरत जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री भरत जी महाराज ने अपना पक्ष रखा, प्रभु राम ने पिता के उन वचनों को रखा। दो चार दिन बीतते गए, जनक जी भी पधारे उस समाज में। सब प्रतिदिन अपना अपना मत रखते थे, लेकिन बात एक स्पष्ट नहीं निकल पाती थी। भरत जी का कहना था आप चलकर अयोध्या राज गद्दी स्वीकार करो, और प्रभु राम महाराज दशरथ के वचनों की बात याद दिलाते थे। अंत में महाराज जनक ने कहा कि राम आप बताओ आपका क्या इसमें विचार है। भगवान राम ने कहा अब तुम जो भरत कहेंगे वही मैं मानूंगा। जब भरत जी से सारी पक्ष रखने के बाद महाराज जनक ने पूछा, भरत आप कहो क्या किया जाए। तो उस दरबार में, क्योंकि भगवान के नाम का दीपक सबके हृदय में जल रहा था, उस दरबार में आज भरत जी ने कहा कि भरत है कहां जो बोले, भरत तो प्रभु राम के चरणों में मिट गया है, जो प्रभु राम कहेंगे वही भरत की वाणी होगी। तो प्रभु राम ने अपना निर्णय सुनाया, और वह पद चिन्ह श्री भरत जी को दिए, नेत्रों में अश्रु लिए। सारी समाज श्री भरत जी ने सादर उद पद चिन्हों को सिर पर रखकर और श्री अवध की ओर चले। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा से भरत जी भगवान राम को
मनाने चले थे तो मन में सोचा था लखन को, भावे सीता को और प्रभु राम को मनाकर लेके लौटूंगा साथ। लेकिन जब भगवान राम मैया सीता नहीं लौटे तो उनके पद चिन्हों को ही सिर पर यूं लेकर चले, जैसे शीश खड़ा ले चला ऐसे, शीश खड़ा ले चला ऐसे, राम सिया इनकी छाव में, अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश के खड़ा, शीश पे खड़ा, शीश पे खड़ा, शीश पे खड़ा, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की, श्री हरि। श्री भरत जी राजगद्दी पर प्रभु के उस चिन्ह को स्थापित विराजमान किया और स्वयं नंदीग्राम में रहने चले गए। यहां मेरे प्रभु जब आगे बढ़े तो मां अनसुईया जी के कक्ष में, उस आश्रम में प्रभु पहुंचे। मां अनसुईया ने खूब सुंदर विस्तार किया प्रभु को। मैया सीता ने भगवान राम के भक्ति का जो दीपक हृदय में जलाया था शुद्ध भाव से, आज उन्हीं को मां सती अनसुईया के समक्ष जब बताया तो मां ने सुंदर ज्ञान और कुछ दिव्य वस्त्र दिए, क्योंकि ज्ञानियों में अग्रगण्य कौन है बताओ, बोल तो, ज्ञानियों में अग्रगण्य, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कौन है? हनुमान जी महाराज। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण सकल गुण निधानम वामन राणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जिन्होंने भगवान श्री राम के दुखड़े को टाला, जिन्होंने भगवान श्री राम को संकट से उबारा, ऐसे संकट मोचन श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करो और कह दो कि हे संकट मोचन करते हैं वंदन, पूरे भाव से, संकट मोचन करते हैं वंदन तुम्हारे बिन संग
संकट मोचन करते हैं वंदन, हे संकट मोचन करते हैं वंदन, हे प्रभु तुम्हारे बिन संकट कौन हरे, तुम्हारे बिन संकट कौन। बालाजी महाराज की
रघुवर के दुखड़े को टाला, हर मुसीबत से उनको उबारा, हर मुसीबत से उनको निकाला, रघुवर के प्यारे आंखों के तारे, रघुवर के प्यारे करना आसान होता है।
चढ़ाने से सब काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान क्योंकि होता है, जिसकी लागी रे लगन उसका दिया भी जलेगा, 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 उसका दिया भी जलेगा। हाँ भैया, किसका दिया भी जलेगा? जिसकी लागी रे जय हो, जिसकी लागी रे जय हो, जिसकी लागी रे लगन हनुमान में, उसका दिया भी जलेगा तो जिसकी लागी रे लगन हनुमान में। श्री हनुमान जी महाराज की झूमते हुए जय जय।
काहे को तो भूल के बैठा भजल श्री भगवान को, काहे को तू भूल के बैठा भजल श्री भगवान को, मन में अपने प्रभु बसा ले पहुंच जाएगा धाम को, मन में अपने प्रभु बसा ले पहुंच जाएगा धाम को, जिसकी लागी रे बालाजी महाराज की।
भक्त वत्सल भगवान की। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, सब गाओ राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हो सो भक्त। कोई संत अगर सुंदर बात बताए और कहे तो वो बात आपको अच्छी लगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा विषम स्थिति है। आपको जीवन में कोई बड़ा समझाए और वो बात आपको अच्छी लगे, जरूरी नहीं, क्योंकि माता पिता और गुरु की बात सबको नहीं सुहाती, और जिसको सुहा गई तो फिर उसका जीवन में कभी उसे दुख देखना नहीं होता। श्री जामवंत जी ने जो वचन कहे श्री हनुमान जी के लिए, वो हनुमान जी को सुहाए। जामवंत के वचन हर्ष अति, क्योंकि जब ये बात हुई कि महाराज इतना तो संपाते जी ने बता दिया है कि मैया सीता लंका में विराजमान है, लेकिन अब ये जाकर पता लगा कि कौन आए तो अंगद जी की ओर देखा गया, तो अंगद जी ने कहा मैं चला तो जाऊंगा लेकिन आ पाऊंगा कि नहीं ये नहीं पता, मतलब मैं एक छलांग में समुद्र पार कर लूंगा लेकिन फिर मेरी ताकत बची होगी कि नहीं बची होगी, लौट पाऊंगा कि नहीं पता नहीं। अंगद कहाई जाय मैं पारा, अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरते बारा, जिय संशय कछु फिरते बारा, जामवंत कह तुम सब लायक, जामवंत कह तुम सब लायक, पठइए कि में सब हे कर नायक, पठइए में सब सब नायक, पठइए कि में सब हे कर नायक, हो कहई रीछ पति सुनो हनुमाना, कहई रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहा बलवाना, का चुप साधी रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग मानी, कवन सुकाज कठिन जग माना, जो नहीं होत तात तुम पाही, जो नहीं होत तात तुम तानी, हो राम काज लग तव अवतारा, राम काज लग तव
जो बताए हनुमान जी को, ये श्री हनुमान जी को भाए। और जब श्री हनुमान जी पहले तो आपकी जो सुख दुख है उन दोनों में चुप रहते हैं, नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि जब तक जीव को भरोसा रहता है कि मैं स्वयं कर लूंगा, तो प्रभु भी सोचते हैं कि हमारा क्या काम भैया, तब तुम ही कर लो। पहले तो हमें अहंकार होता है कि कोई भी कार्य मैं कर रहा हूं, मेरे वजह से सब चल रहा है सुख में। और जब दुख आता है तब भी पहले स्वयं प्रयास करता है कि हम ठीक कर लेंगे, और जब देखता है कि चारों खाने चित्त पड़ जाता है, तब याद आती है हे प्रभु हे संकट मोचन। तो हनुमान जी पहले चुप, लेकिन जब निवेदन हृदय से होता है तो श्री बजरंग बली तत्काल आपके संकटों को हरते हैं। और इतना सुनते ही श्री हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और मेरी बजरंग बली एक ऊंची छलांग लगाई और जाकर उस पर्वत पे चढ़ गए जिसका नाम था सुंदर। उस पर्वत का क्या नाम था? सुंदर। गोस्वामी जी लिखते हैं, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े जाते हुए, लेकिन एक बार ही देवताओं ने देखा और क्या कहा? जात पवन सुत देवन दे, जाने कहूं बल बोली विशेषा, सुरसा जन्मुख ते खयो तुरत पवन
नाथ पूछ मेरे आवा मांगा विदाता ही सिरुनावा मांगा विदाता ही सिरुनावा ऐसा बुद्धि देखकर क्या कहा देख विधि बल विपुल कपि कहे क्या कहा ध्यान से सुनना मरा जब उस अहिन के माता सुरसा ने देखा श्री हनुमान जी का ऐसा भाव ऐसी बुद्धि तो क्या कहा कि आप राम का जो सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान और श्री हनुमान जी महाराज यहां से क्यों क्योंकि जब आप राम काज के लिए बढ़ोगे तो आपको निश्चित बाधा आएगी लोग रोकेंगे राम काज मतलब क्या धर्म का काज सत्य का काज मतलब सच्चाई ईमानदारी से कोई भी काम करोगे तो उसमें बाधा आएगी व्यापार भी सच्चाई ईमानदारी से करोगे तो बाधा आएगी तो क्या इसका मतलब बाधा आने के डर से सच्चाई ईमानदारी से व्यापार करना छोड़ दें नहीं हनुमान जी को पता था कि बाधा आएगी तो रुक गए क्या उन बाधाओं से लड़ते हुए आपको आगे चलना है और लड़ना कैसे है जबरदस्ती नहीं बुद्धि से जैसे हनुमान जी सुरसा से लड़े नहीं चाहते तो युद्ध करके मार डालते उसको लेकिन क्या किया बुद्धि से लड़ा तो व्यापार जीवन में जब कभी ऐसे मौके आए यो ऐसे तो आप उनसे उलझना मत किसी को विरोधी मत बनाना बुद्धि दिमाग से टाल ले जाना विरोधी मत खड़ा करना और श्री हनुमान जी महाराज ने वही किया और जब उसका बुद्धि बल देखा तो अब तक जो लड़ रही थी खाने के लिए उसी ने कह दिया क्या कि हे बजरंग बली राम काज सब करी हूं अरे तुम तो बहुत सब काम कर दोगे अब तक वही रोक रही थी राम काज में और अब वही कर रही है कि तुम तो सारा काम करोगे जाओ मेरा भी तुम्हारा साथ है अर्थात तुम्हारे व्यापार और जीवन में अगर कोई रोकने के लिए आया तो पहले तो रोकेगा लेकिन अगर बुद्धि से उसको तुम जीत लिए तो वही तुमको साथ देगा सपोर्ट करेगा और आगे ले जाएगा सुरसा ने कहा राम काज सब करी हूं एक दो नहीं सारे राम काज सब करी हूं तुम बोल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो और हर्ष चले हनुमान श्री हनुमान जी महाराज जब यहां से आगे बढ़े तो महाराज बाधाएं तो बहुत हैं एक के बाद एक बाधाएं धर्म के काम में आती हैं लेकिन अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म रूप नारायण तुम्हारी रक्षा करेंगे हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करता है धर्मो रक्षति रक्षितः लेकिन अगर आपतकाल परखिए चारी धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति के समय मित्र तुम पर कितना विश्वास करता है ऐसे तो जीवन भर खुर मित्रता निभाया जब तक आपके पास धन बल विद्या था तब तक तो पत्नी मित्र ने सब खूब साथ निभाया लेकिन कभी बल पद पोस्ट मान धन नहीं है उस समय अगर मित्र कुछ कहे और उस समय वो मित्र विश्वास करे उस पर तो समझो वो सच्चा मित्र है आपतकाल परखी आपत्ति के समय में ही तो इनकी परख होती है आपतकाल परखी चारी धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति के समय इनकी पहचान होती है जब धन ना हो तब पत्नी की पहचान होती है ऐसे समय में कि वो कितना साथ देती है आपका धैर्य कितना है पेशेंस ये विषम परिस्थिति में आंका जाता है कि आप कितना धैर्यशाली हो कितना रोक सकते हो स्वयं को कटुवाणी बोलने से पहले आपा मत खोना ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए हा? और उनको शीतल करे आप हम शीतल होए लेकिन बनपुर में एक तो हमारे चेला हैं बड़ा हंसी मजाक करते हैं यही कथा सुना रहे थे तो कहे गुरुजी आजकल ऐसे लोग नहीं है कि जो ऐसी वाणी बोले मन का आपा खोए हम कहे तो कैसे लोग हैं तो कहे गुरुजी आजकल तो ऐसे लोग हैं कि ऐसी वाणी बोलिए तुरते झगड़ा होए अरे ऐसा बोलते हैं जहर विष कि तुरंत है कि धर्रे पकड़ यही बात शुरू हो जाती है तुरंत मर उनकी भावनाएं ऐसी हृदय से निकलती हैं वाणी ही ऐसी बोलते हैं व्यक्ति संभाल नहीं पाता तो वाणी ही मीठी बोलो बात से बरात आती है ये आपकी बात ही आपको धन लाभ करा देगी जीवन का लाभ करा देगी और आपकी बात ही आपको जीवन में भी घाटा करा देगी व्यापार में भी घाटा करा देगी अगर बात करना नहीं आया
इसलिए जब कोई बात कह ना पाओ तो कह देना कि मैं क्या कहूं, ये बात मुझसे कही नहीं जाती। शिव विवाह में आपने सुना था ना, जब वो लड़के भगवान शिव की बारात देखकर डर के भागे थे अपने अपने घर में, तो माँ ने कहा था क्या बात है, तो उन्होंने क्या कह दिया, कही काह कह जाई न बाता, सीधा कह दिया कि हम नहीं कह पाएंगे। तो ऐसे ही जीवन में कोई बात ना कही जाए तो बोल देना कि भाई नहीं कह पाएंगे, जबरदस्ती जबरी मत करना। एक कहावत है, सोढ़ी में गोड़ डाल के मत तोड़ना। जबरदस्ती कोई कार्य ना हो, नहीं हो रहा है छोड़ दो, परमात्मा की इच्छा। श्री हनुमान जी महाराज बुद्धि विवेक से, क्यों, क्योंकि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या इन तीनों के डिस्ट्रीब्यूटर हैं स्वयं श्री हनुमान जी महाराज, इनके मालिक हैं। तो जो स्वयं बुद्धि विद्या ज्ञान का मालिक हो, उनको कहां से ज्ञान बुद्धि से जीत पाओगे। एक बार श्री अवध में भगवान राम दरबार सजा था, प्रभु राम बैठे थे, मैया सीता बैठी थी, हनुमान जी का कर्ज तो भगवान राम पर भी है। जिसने दुनिया बनाई, जिसके बस में दुनिया है, वो भी हनुमान जी के बस में है। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जिसके बस में पूरी दुनिया है, ऐसे हनुमान जी महाराज भी के बस में भगवान राम है। तो धर्म की हानि ना हो, सत्कर्म आपका छूटे ना, जीवन में आनंद का विषय कभी रुके ना, हर पल हृदय में भक्ति जागृत रखना, क्योंकि ये माया जो है हर पल आपको रोकती है, सताती है। श्री अवध में एक बार श्री राम दरबार सजा था, भगवान राम मैया सीता विराजमान थी और श्री हनुमान जी महाराज भी विराजमान थे। अब उस सभा में भगवान राम बार बार हनुमान जी को देखे एक टक लगा के, तो कोई आपको अगर देख रहा हो बहुत देर से, तो आपको लगता है कि शायद कोई मुझे देख रहा है, तो आप भी उसकी ओर देखने लगते हो कि भाई क्या बात है, ऐसा होता है ना। जब बहुत देर तक भगवान हनुमान जी की ओर देखने लगे अयोध्या में, तो हनुमान जी ने सोचा अरे प्रभु मुझे देख रहे हैं, क्या बात है, जरा हम भी तो देखें। और जैसे ही हनुमान जी ने भगवान राम की ओर देखा, तो झट भगवान ने अपने नेत्र दूसरी ओर कर लिए, हनुमान जी कुछ नहीं बोले। फिर हनुमान जी उधर देखने लगे, फिर भगवान राम हनुमान जी को देखने लगे, और दिन भर यही चला, जब हनुमान जी देखते भगवान राम ने, तो मैया सीता सब देख रही थी। एकांत पाकर प्रभु राम से मां सीता ने कहा, प्रभु आज ये दरबार में क्या हो रहा था, ये कौन सी लीला है, आप क्यों हनुमान जी को बार बार देख रहे थे, क्या बात थी। भगवान बोले कि वो मेरे पुत्र हैं और अपने पुत्र को वात्सल्य से भरकर प्रेम से मुझे बार बार देखने की इच्छा हो रही थी, तो प्रेम उमड़ के मैं उन्हें देख रहा था। मां सीता ने कहा सो तो ठीक है, प्रेम था इसलिए आप देख रहे थे, लेकिन जब हनुमान जी आपको देख रहे थे तब आपका प्रेम कहां चला जा रहा था, काहे नजर हटा ले रहे थे, उनसे आंखें क्यों नहीं मिला रहे थे। भगवान राम बोले देखो जानकी, ऐसा है कि हनुमान जी का बहुत ऋण है मुझ पर, इतना ऋण है कि वात्सल्य और प्रेम के बस होकर मैं बार बार हनुमान जी को तो देख रहा था, लेकिन जब हनुमान जी मेरी ओर देख रहे थे तो मैं उनसे आंखें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि मुझे एक बात याद आ जा रही थी। कौन सी बात प्रभु, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, हनुमान जी का बड़ा कर्जा है, बड़ा ऋण है मेरे ऊपर, और तुम ही बताओ सीता दुनिया में वो कौन कर्जदार है जो अपने धनी से आंखें मिला ले, वो कौन है जो अपने धनी अपने सेठ से आंखें मिला ले, इसलिए मैं श्री हनुमान जी की ओर देख नहीं पाता था। हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जिन पर सबका जिन सब पर जिनका ऋण है श्री हनुमान जी महाराज पर, इसीलिए भगवान राम ने भी कह दिया सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, हे पुत्र मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, जान। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जगत वेद बखाने। श्री रामचरित मानस के तीन पात्र है, विषयी साधक सिद्ध, आगे वर्णन मैं करूंगा इन तीनों पात्रों का।
तो श्री हनुमान जी महाराज, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जिन्हें गुरु मानकर प्रणाम किया और उन्हीं के समर्पण में श्री हनुमान चालीसा की रचना की और पहले ही कह दिया श्री गुरु चरण सरोज रज, बिना गुरु के भव पार नहीं होगे। तो तुलसीदास जी के गुरुदेव कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। और इतना नहीं, जब कृपा करने की बारी आई तब भी गोस्वामी जी ने यही कहा कि आप गुरुदेव जैसे ही कृपा करना, क्योंकि संसार के लोग तो अगर गलती होती है तो त्याग देते हैं, मन में रखते हैं, बदला लेते हैं, लेकिन माता पिता गुरु बार बार क्षमा करके मौका दे के उठा के दौड़ा देते हैं। इसलिए कह दिया जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। इसलिए गुरुदेव जैसा कोई नहीं, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कह दिया कि पूरे दरबार में जीवन के कोई गुरुदेव जैसा नहीं। और तुलसीदास जी ने भी कहा कि हे हनुमान जी, आप गुरुदेव के जैसे ही कृपा करना। तो इसलिए गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कह दो कि मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सदगुरु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सदगुरु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सदगुरु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सदगुरु दया करो, दया करो गुरु कृपा करो, दया करो गुरु कृपा करो, दया करो गुरु कृपा करो, तालियों की सेवा सतगुरु देव भगवान की।
साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, अपने नाम की रंगत 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 देना, ओ अपने नाम की रंगत देना, 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 पूरन हो जय हो, पूरन हो हरि हो, पूरन हो मेरे सब काम सदगुरु दया करो, पूरन हो मेरे सब काम सदा तेरो नाम सतगुरु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरो नाम सतगुरु दया करो, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, परनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तन ज्ञान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु ही हरहु कलेश विकार, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धर सी दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धर असुर सारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाज सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष पुरला, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भतै सवारे, सहस वदन तुम्हारो यस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सन कारक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमर जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत जो जियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवरथ के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पावे, सदा रहो रघुवर के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरा, अंत काल रघुवर पुर जाई, संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरूप, श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझा, हे रघुवर तेरी आरती,
गुलदाल।